और खेल जगत की बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सेमीफाइनल में दमदार एंट्री हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना हिसाब चुकता कर लिया है। कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से धमाकेदार पारी खेली गई, 92 रन की पारी थी और इसमें कई छक्के शामिल थे। गेंदबाजों की तरफ से भी प्रदर्शन बेहतरीन किया गया और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब, उनकी तरफ से भी टीम इंडिया को बधाई दी गई है। तो सेमीफाइनल में एंट्री हो गई है। इस ग्रुप की अगर बात की जाए, क्योंकि सेमीफाइनल के लिए जो चार चार टीमों के दो ग्रुप बने उसमें टीम इंडिया टॉप पर है, क्वालिफाई कर चुकी है। अब भारतीय टीम का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ फाइनल की रेस के लिए, यानी वहां जो जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा। एक मुकाबला फिलहाल चल रहा है अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, लेकिन इस ग्रुप में केवल और केवल एक टीम ऐसी है, भारतीय टीम, जो कि सबसे पहले क्वालिफाई कर चुकी है टॉप में रहकर। बाकी टीमों की तस्वीर अभी साफ नहीं है कि क्या ऑस्ट्रेलिया जाएगी, क्या ऑस्ट्रेलिया के अलावा अफगानिस्तान की टीम जाएगी या फिर बांग्लादेश जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं रही रहा। इस बार ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान से हार का सामना करना पड़ा, यह इतिहास रचा गया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया हार का सामना करने के बाद टीम इंडिया के सामने खेलती नजर आई और टीम इंडिया ने भी पटकनी दे दी, जिसके बाद भारतीय टीम सीधे तौर पर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है। अब यह देखना होगा कि इस ग्रुप से दूसरी टीम कौन सी होती है। और पहले ग्रुप की बात करें तो वहां इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुके हैं, उनमें इंग्लैंड के साथ भारतीय टीम का मुकाबला होगा। साउथ अफ्रीका के साथ दूसरी टीम कौन सी होगी इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई। जो मैच चल रहा है उस मैच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी।